80 से 90 का दशक भारतीय लोगों के लिए एक सुनहरा समय रहा है। ये वो समय था जब मध्यम वर्ग के लोग अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोच सकते थे। इन्हीं सपनों में से एक सपना अपनी मोटरसाइकिल का हुआ करता था। उस दौर में मोटरसाइकिल तो बहुत आई, पर हीरो होंडा की CD100 ने जिस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया वह अद्भुत था। मजबूत बॉडी और अच्छे माइलेज के साथ इसके साधारण लुक ने लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस बाइक को बनाने में कंपनी ने हर उस बात का ख्याल रखा जो भारतीय लोगों को पसंद आए। इस बाइक के जरिए हीरो होंडा ने भारत में अपनी अमिट छाप छोड़ी। यह बाइक भारतीय बाजार में खूब पॉपुलर थी। हीरो होंडा की पार्टनरशिप की यह पहली बाइक थी जो काफ़ी सफल रही। इसे साल 1985 में लॉन्च किया गया 7.5 bhp पावर वाला 97 cc का इंजन इस बाइक को कठिन से कठिन रास्तों पर चलने में मजबूती प्रदान करता था। साल 1991 में इसी बाइक को अपडेट करके CD100 SS नाम से लॉन्च किया गया। बाइक को नया लुक देने के लिए इसमें नए बॉडी ग्राफिक्स दिए गए थे। हीरो होंडा की यह मजबूत बाइक उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी मदमस्त होकर चला करती थी। माना जाता है कि इस बाइक के आने के बाद बहुत सी बाइक्स को इसने सीधी टक्कर दी और भारतीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हल्का वजन, चलाने में सुलभ और इसके दमदार इंजन ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया। हीरो होंडा CD100 उन सभी लोगों का साधन बनी जो कम पेट्रोल में लंबा सफ़र तय करना चाहते थे। इस बाइक ने माइलेज को ही अपनी खूबी बना लिया। हीरो होंडा CD100 के डिज़ाइन को भी बहुत संतुलित ढंग से तैयार किया गया था ताकि इसको चलाने में थकावट महसूस न हो। हीरो होंडा कंपनी ने अपनी इस बाइक को बहुत मजबूती से बनाया। जहां आज अधिकतर बाइक्स के 50% पार्ट्स प्लास्टिक के बने होते हैं, वहीं यह बाइक 75% लोहे से बनी होती थी जो इस बाइक को असाधारण मजबूती प्रदान करता था। हीरो होंडा CD100 ने बिक्री के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और भारतीय मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। साधारण सी दिखने वाली इस बाइक ने सभी वर्ग को अपना दीवाना बनाया। समय के साथ साथ मार्केट में आधुनिक तकनीक की बाइक्स ने कदम रखा जिसके बाद इसकी बिक्री में कमी आ गई। लगभग 2 दशक तक भारतीय बाजार पर राज करने वाली इस बाइक को आखिरकार 31 दिसंबर 2010 में बंद कर दिया गया। बदलते समय में जहां बाइक्स के माइलेज में कमी आई है, वहां लोग इस तरह की बाइक्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, भले ही यह बाइक अब मार्केट में मौजूद नहीं है, लेकिन यह बाइक लोगों के दिलों में हमेशा मौजूद रहेगी। दोस्तों, अगर आपने भी कभी हीरो होंडा CD100 की सवारी का आनंद लिया है तो हमें अपना अनुभव जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें।